Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtadar and I'm Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. आज हम जिस बीमारी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन बीमारी है और पाकिस्तान में हाई बर्डन ऑफ डिजीज़ ऑफ ट्यूबरकुलोसिस देखा जाता है. अगर आप दुनिया भर की बात करें तो जो टॉप 10 कंट्रीज़ है उनमें पाकिस्तान का शामिल है जहाँ टीबी का बर्डन इतना ज़्यादा है. इसके अलावा 8 कंट्रीज़ दुनिया में ऐसी हैं जो कि दुनिया का 2/3 ऑफ टीबी बर्डन को शुमार करती हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है. तो एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जिसके साथ मरीज़ आपके पास प्रेजेंट करते हैं और इसको डायग्नोज और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मरीज़ की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं. ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियम है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ज़रिए ये बीमारी फैलती है और ये न सिर्फ हमारे फेफड़ों को मुतासर करती है बल्कि जिस्म के और भी बहुत से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसके अंदर आपकी स्किन शामिल है, आपकी लिम्फ नोड्स हैं, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है, आपकी आंतों को, हड्डियों को, हत्ता के आँखों को भी मुतासर कर सकती है. सो ट्यूबरकुलोसिस जहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करती है वहाँ और भी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है और इसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है. इसको फैलने का बायस हमारे थूक के ज़रात जो कि खांसने, छींकने और बोलने से एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होते हैं, जिन्हें हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो होते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया ट्रैवल करता है. इसलिए इन लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए और जो टीबी के पेशेंट्स हों उनको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए. अब ये बीमारी किस तरह ज़ाहिर होती है, इसकी जो अलामात हैं उसमें फ़ीवर जो कि लो ग्रेड होता है और रात के वक्त आमतौर पर ज़्यादा हो जाता है, इसमें साथ आपको पसीने आ सकते हैं, नाइट स्वेट्स रात के वक्त ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिस्म में कमज़ोरी का एहसास होता है, खांसी, रेशा, बलगम आ सकती है, बलगम में थूक में खून आ सकता है, इसके अलावा वज़न में कमी और भूख में कमी, ये इसकी अलामात के अंदर शामिल हैं. आम तौर पे फेफड़ों की टीबी इन अलामात के साथ ज़ाहिर होती है जिसमें मरीज़ को रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि खांसी, सांस में तकलीफ और बलगम की कैफियत होती है. लेकिन जैसे मैंने बताया ये जिस्म के और भी हिस्सों को मुतासर कर सकती है, तो जिस्म में अगर गिल्टियाँ बन जाएँ, ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये कई दफ़ा फूल जाती हैं, तो ज़रूर हमें टीबी का शुबा करना चाहिए. आंतों का मसला जिसमें मरीज़ को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट में दर्द या हाजमे में हमेशा ख़राबी रहती है, इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए. अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो या अनएक्सप्लेन्ड फीवर हो मरीज़ को तो हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ज़रूर ट्रीट करते हैं. हड्डियों की टीबी बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, हमारे रीढ़ की हड्डी और मोहरों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है. दिमाग की टीबी हो जाती है, मेनिनजाइटिस की एक कॉमन वजह में ट्यूबरकुलोसिस है. और इस बीमारी का अच्छा पहलू ये है कि इसका इलाज मौजूद है और 6 से 8 महीने की दवाई के अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है. ज़्यादातर लोगों को 6 महीने की दवाई से ही असर हो जाता है, जिसे हम 2 फेजेस में देते हैं. 4 अद्वियात 2 महीनों के लिए दी जाती हैं और फिर 3 अद्वियात बाकी के 4 महीनों के लिए दी जाती हैं. इसकी दवाइयों को साथ साथ मॉनिटर किया जाता है ताकि उनका रिस्पॉन्स गेज किया जा सके और खुदा न खस्ता अगर दवाई की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो उनको भी एडजस्ट करते हैं डॉक्टर्स ट्रीटमेंट में. अपनी थूक का टेस्ट करा के, अपने एक्सरे करा के और ब्लड के टेस्ट के ज़रिए इसकी तशखीस को डॉक्टर्स बता सकते हैं आपको ट्यूबरकुलोसिस है. इसके साथ कोई स्टिग्मा अटैच ना कीजिए कि ये ऐसा मर्ज है या छूत की बीमारी है या किसी को बताना नहीं है. ये एक ऐसी बीमारी है जिसको तशखीस करके इलाज के साथ मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर भी मनाते हैं, वो अबाउट रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है. रेजिस्टेंस बीमारियों में तब डेवलप होता है जब आप अद्वियात या तो सही मकदार में इस्तेमाल नहीं करते या सही मियाद प्रॉपर मियाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते और ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ देते हैं. तो जिस तरह और चीज़ों में हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टाइफॉइड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इस तरह ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी रेजिस्टेंस के केसेस देखे जाते हैं. सो एक तो जो आपने डॉक्टर ने आपको अद्वियात बताई हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसी तरह फॉलो कीजिए जैसे आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं. अगर आपको दवाई से कोई मसला हो रहा है तो डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने तौर पर दवाई को बंद या चेंज ना करें. दूसरा, अगर आपको अद्वियात असर नहीं कर रही होती तो जीन एक्सपर्ट का टेस्ट डॉक्टर्स आप करते हैं, जिनकी वजह से तशखीस हो सकती है कि किन दवाइयों पर यह जरासीम के खिलाफ कौन सी दवाइयाँ सेंसिटिव हैं और उसके मुताबिक आपकी अद्वियात तब्दील की जा सकती हैं. सो सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, ट्रीटमेंट को अधूरा ना छोड़िए, ट्रीटमेंट की रिजीम को चेंज ना कीजिए और अपने
مولد سے مشورہ کیجئے تاکہ آپ اس مرض پر قابو پا سکے. سو لیٹس ہوپ دیٹ وی اینڈ ٹی بی بائی دا نیکسٹ ایئر اور سو اور پاکستان ایک ٹی بی فری کنٹری کے طور پر دنیا میں سامنے آئے. تھینک یو. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.